कैसा फील कर रहे हैं भाई साहब आप? अपनी जांघें दिखाने जाएंगे कट्स? नहीं 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 अभी नहीं, क्लास में पहुंचने के बाद। या वेलकम बैक, और आज बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज हमारे हैं स्पेशल गेस्ट मृगेश। हाय। बहुत शानदार पॉडकास्ट बनाता है भाई हमारा। और आज हमारे एक छोटी सी राइड हमने चूज़ की, लगभग 7-8 किलोमीटर अप्रॉक्स, एक स्टीप है थोड़ा सा साइकिल में। तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा है और भाई हमारा प्रो राइडर है। तो चलो चलते हैं। और दिस इज फर्स्ट टाइम जब मैं इतना एलिवेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। बट थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, लेकिन छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मज़ा लिमिट को पुश करने में है वो शायद कहीं नहीं। और इस एडवेंचर के साथ तो अलग ही मज़ा है। हमारी किस्मत सही रही भाई, कल बारिश हो गई, अदरवाइज यहाँ पे पाला बहुत गिरता है। बारिश की वजह से सारा कम है। ठंड हो रही है लेकिन बॉडी अभी बिल्कुल हीटअप हो रही है, और बस मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि या तो पैदल चल लूँ या फिर डाउन आ जाए स्लोप। रोड के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट हैं, वहीं अपने नुकसान भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। पेड़ कट गए हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच से निकलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। Quite complicated. Bro. Anyway, I will do it. Yeah. Woo. Woohoo. कर दिखाया हमने। Everything is closed due to COVID. Mirgesh, खैर पहुंच तो गए यहाँ पे हम, लेकिन साथ साथ हम अपने बारिश भी ले आए। मजा आया। हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रहा है अभी, अगर किस्मत अच्छी रही थोड़ी देर और तो क्या पता गिर जाए। होप फॉर द बेस्ट। तो अभी हैं अद्वैत आश्रम मायावती, जो लोहाघाट से करीब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक बोले या फिर जो भी बोले, रोड है अच्छी खासी, लेकिन थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा है। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर्स। तो बाकी की जो स्टोरी है, यहाँ पे विवेकानंद आए थे यहाँ पे जब वो वेस्ट से 1800 कुछ में लौटे थे, तो उनकी थर्ड यात्रा थी हिमालय की तरफ, और
उनको एक सुझाव ऐसा आया कि हिमालयों में भी कोई ठहरने के लिए आश्रम जैसा होना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात इधर से ये है कि एक बहुत प्यारी माउंटेन रेंज, मतलब मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है इधर से। मेन इस जगह को सेलेक्ट करने का उनका कारण ये था कि यहाँ पे बहुत शांति है और हिमालयों की चोटियों में है तो ठंडा हमेशा रहता है। इधर अभी भी आप मौसम देख सकते हैं, बारिश आ रही है, बर्फ से पहले का जो वो होता है कि जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बर्फ पड़ने से पहले का फेज वो अभी हो रहा है यहाँ पे ठंडा उसकी वजह से। और काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। वैसे वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं है, पर खतरों से खेलना। देखिए क्या लिखा है, फोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन ये फिर भी भाई हमारा कह रहा है एडवेंचर, इसे एडवेंचर कह रहा है। ओ भाई कैसा लग रहा है आपको गिर के? बहुत बढ़िया। बहुत कुछ बताने के लिए। यहाँ पे काफी पीसफुल है, बस वो दो कुत्ते हल्ला कर रहे हैं, पर उसके अलावा सब प्यारा प्यारा है। एक्चुअली पहले क्या था कि यहाँ पे वीडियोग्राफी कुछ भी हो, पहले लोगों के पास इतना सामान इक्विपमेंट थे नहीं और तुम लोग आ सकते हो जा सकते हो, ये सब खुला था, कोई फेंसिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब बहुत सारे जैसे जैसे लोग बढ़ते गए धीरे धीरे, कभी कोई कैमरा लेके आ जाता है व्लॉग बनाने, जैसे अभी मैं आया हुआ हूँ। एक्चुअली हम तो ऐसे घूमने के पर्पज से आए थे मेनली, लेकिन मैंने कहा साथ में काफ़ी दिन हो गए और व्लॉग नहीं बना, भाई कह रहा था मुझे आपके व्लॉग में आना है। सब्सक्राइब। तो मेनली हमारा मोटिव यहाँ पे घूमने का इसीलिए था कि काफ़ी दिनों से दिमाग शांत नहीं हो रहा था और एडवेंचर का और एडवेंचर का बहुत मन था, तो आ गए यहाँ पे। बहुत हम ऐसा मौसम तलाश कर रहे थे जो कि इसी टाइप का जो अभी है, थोड़ा ठंडा और मतलब हल्की बारिश हो जाती है, तो इस रूट पे ये होता है कि थोड़ा सा फिसलने का डर कम रहता है, पाला कम गिर रहता है, तो इसकी वजह से बढ़िया रहता है ओवरऑल हमारा। और यहाँ पे जो जगह है, जो अभी एकदम सामने हम ताल के बैठे हुए हैं, मतलब ये वैसे तो ज्यादा लोग इसे एक्सप्लोर कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, करीब मेरे को 7-8 बार तो आई गया हूँ यहाँ पे और मैं आज पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक तरह से पीछे एकदम पूरे पेड़ से बांज के पेड़ हैं और देवदार के पेड़ हैं, सामने बिल्कुल हरे हरे खेत हैं, मतलब खेती की है सामने, अलग तरह का माहौल है, बिल्कुल पीसफुल, बहुत शांति। यहाँ पे कोई मेडिटेट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत पीसफुल। तो इसीलिए विवेकानंद शायद यहाँ पे आए होंगे पूरा, इसकी वजह से। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आश्रम की वजह से ये पेड़ बचे हुए हैं, यहाँ पे का जो एरिया है ये इन लोगों ने अपने अंडर लिया हुआ है और इसके अंदर काफ़ी हरियाली है, मतलब
जो ये लोहाघाट और चंपावत के बीच में जो बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि जानवरों के लिए हैबिटेट और पेड़ वगैरह काफ़ी अच्छे बचे हुए हैं इन्हीं की वजह से, तो जो संस्था इसे संभाल ली है उनको हैट्स ऑफ भाई। बाकी नीचे हॉस्पिटल है जो गांव वालों की सुविधा के लिए कभी यहाँ पे कैंप लग जाता है तो उसे अगर मौका मिला तो दिखाएंगे। गौशाला में यहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग ब्रीड की गाय पाली हुई हैं और जो यहाँ पे से दूध दे देते हैं आगे तो ये अपना ही पूरा करते हैं। देन यहाँ पे स्वामी वगैरह जो आते हैं ध्यान वगैरह के लिए, मेनली ध्यान के लिए ही है, और छोटे छोटे कैंप लगते रहते हैं आप यहाँ आसपास गांव के लिए। ये इधर पहाड़ी के बीच में है, इस तरफ लोहाघाट पड़ता है और पीछे की तरफ चंपावत है, और ये बीच बीच में पूरा बांज के और देवदार के पेड़ हैं। एक टाइम पे लोहाघाट को सीडर वैली के नाम से भी जाना जाता था, बट अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। काफ़ी ज़्यादा देवदार के पेड़ हुआ करते थे, बट धीरे धीरे टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है और पेड़ भी कम हो गए। हीरा राम तो अब यहीं पे काम करते हैं, कितने टाइम से काम करते हैं आप यहाँ पे, कितने टाइम से काम करते हैं? 2002 से। हीरा राम जी ने बताया कि वो 17 सालों से अपनी सेवा इस गौ माता के चरणों में दे रहे हैं और उनका सुबह से शाम तक का समय इनकी सेवा में ही निकल जाता है। ये मायावती की जर्नी यहीं पे एंड करते हैं। हम अभी और बाकी जगह भी जाएंगे, मज़े आए आज बहुत ब्राइडा के साथ चलो ठीक है, थैंक यू।